अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। नवंबर 8, 1895 में रोंजन जो था वो अपनी लेबॉर्ट्री में काम कर रहा था। ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग अ क्रूक्स ट्यूब, जो प्रीवियस कैथोड रे ट्यूब थी उसको क्रूक्स ट्यूब भी कहा जाता था। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने उस क्रूक ट्यूब को एक फोटोग्राफिक पेपर के साथ मुकम्मल तौर पर कवर कर दिया, ताकि उसमें से किसी भी किस्म की कोई भी विजिबल लाइट जो है वो एस्केप ना हो सके। और उसने अपनी उस लेबॉर्ट्री को भी मुकम्मल तौर पर जो था वो कवर रखा और उसमें अंधेरा रखा। एक बेरियम प्लैटिनम साइनाइड की एक प्लेट जो थी वो कुछ फासले पर उस ट्यूब से पड़ी हुई थी। रोंजन ने क्या देखा कि ना बाहर से कोई लाइट एंटर हुई है, ना रूम में कोई लाइट है, लेकिन फिर भी एक लाइट प्रोड्यूस हुई है। एक बेरियम प्लैटिनम साइनाइड जो है उसके ऊपर एक ग्लो प्रोड्यूस हुई है। तो उसने उस ग्लो का नाम जो था वो फ्लोरेसेंस रख दिया, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि ये किस वजह से ये प्रोड्यूस हुई है। ये रोंजन साहब थे अपनी क्रूक्स ट्यूब के साथ, जिस क्रूक ट्यूब को कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अच्छा, उसने देखा कि किसी भी किस्म की विजिबल लाइट जो है वो एस्केप भी नहीं हुई है, ना वहाँ से एंटर हुई है। तो उसने देखा कि वो जो बेरियम प्लैटिनम साइनाइड की प्लेट जो थी उसके ऊपर एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ है, उस ग्लो को उसने नाम दे दिया एक्स लाइट का, फ्लोरेसेंस का। फिर उसने देखा कि जिस जिस तरह से वो करीब लेके आता जा रहा था उस प्लेट को, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। बाद में रोंजन ने सबसे पहला इमेज जो लिया था वो अपनी वाइफ के हैंड का लिया था, जिससे हमें ये पता चला था कि हम एक्स रेज को जो है वो इमेजिंग में या मेडिकल इमेजिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी वाइफ का हैंड था जो उसने सबसे पहला इमेज लिया। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।